नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग साकार हो गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कुल 50 जिले और 10 संभाग बन चुके हैं। पहले राज्य में 33 जिले और 7 संभाग हुआ करते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को मंत्री जिलों में जाएंगे। सभी जिलों में मंत्री पहुंचेंगे, वहां पर पूजा पाठ होगा और भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का निर्वहन करते हुए नए जिलों की एक तरह से स्थापना की जाएगी। इस दौरान सीएम ने जहां अपने कार्यकाल की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ने से पहले बयान आप सुन लीजिए। मुख्यमंत्री उम्मीदवार 5 साल बने बैठे हैं, ये परंपरा खत्म करें अच्छी बात नहीं, मैं उनको दिल से कहना चाहता हूँ। परंपरा जो 852 से जो शुरू हुई थी, बोला सुखाड़ा के वक्त से, जिनको भारत सिंह शेखावत ने भी निभाया, बीजेपी के थे, बीमार पड़े में बॉम्बे गया, दिल्ली गया और उनके घर पे तो 5 साल पर गया हूँ जयपुर के अंदर। ये रिश्ते थे पक्ष विपक्ष के। हमने कहा सीखा, बचपन में पढ़ते थे तब से सीखा है राजस्थान में पक्ष विपक्ष क्या होता है। पहली बार है जहां पर ये मेरी चोट लगी और कह रहे हैं कि तो कील लग गई है और ये सब बांध के बैठ गए हैं। बताइए आप, 3 टुकड़े हो गए मेरे एक पैर के, अंगूठे के 3 टुकड़े हो गए हड्डी के, एक में वो फ्रैक्चर हो गया, पूरा नाखून बाहर आ गया। और ये जो टमाटर जो कमेंट कर रहे हैं ना, इसकी बजाय अगर राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है या इनके दूसरे नेता लोग हैं, अगर ये सीएम हाउस आते मेरे से पूछने के लिए जब क्या हो गया, कैसे लग गई, तो उनकी हाइट बढ़ जाती। वो जानते नहीं हाइट कैसे बढ़ती है, हाइट घटाना जानते हो तो। रोज स्टेट में दे रहे हैं, रोज उनका कद नीचे जा रहा, बोना होता जा रहा उनका कद। रोज के स्टेटमेंट से झूठे आरोप लगा करके अपने कद को ये लोग बोना करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता बयानबाजी करके अपना कद नीचा करते जा रहे हैं, अगर ये नेता उनसे आकर मिलते तो उनका कद बढ़ जाता। सीएम यही नहीं रुके, प्रदेश के नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे लोग आकर नेता बन गए, मुख्यमंत्री चेहरे बनकर फिर रहे हैं, इनमें वो शालीनता नहीं है। ये ऐसे लोग आगे नेता बन गए जो मुख्यमंत्री चेहरे बना के फिर रहे हैं, इनमें वो शालीनता भी नहीं है, शालीनता वो भी नहीं है। अरे हाउस में कितने झगड़े हो जाते थे पहले राजस्थान असेंबली के अंदर, बाहर आते हंसी मजा करते थे पक्ष विपक्ष वाले, वो टाइम भी था। इस तरह के नेता पैदा हो गए कि 2 से 3 बार चुनाव जीत गए और सीएम का चेहरा बने घूम रहे हैं, ये तो वो जाने और दिल्ली हाईकमान जाने। गहलोत के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि उनका इशारा बीजेपी के नेताओं की तरफ कम और सचिन पायलट की तरफ ज्यादा था। 2 से 3 बार चुनाव जीतना, सीएम का चेहरा बने घूमना और दिल्ली हाईकमान जाने, गहलोत के इन बयान से ऐसा साफ लग रहा है कि बातों ही बातों में उन्होंने सचिन पायलट पर भी बोल ही दिया, क्योंकि सचिन पायलट भी राजस्थान में कांग्रेस का सीएम चेहरा माने जाते हैं, दावेदारी भी वो पेश कर चुके हैं और आलाकमान भी भरोसा करता ही है। और दिल्ली हाईकमान, गहलोत अक्सर कांग्रेस आलाकमान के लिए ही इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सीएम अशोक गहलोत का इशारा सचिन पायलट की तरफ था? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।